Hey guys, good morning. Welcome back to my channel and welcome back to a fresh new vlog. Say good morning to my Flaru and QQ. Flurry Q is all set and ready. It's 20th of January and today is our 10th wedding anniversary. The best part is it's Saturday today. So Deepanjan has off, no office work. That's why we all are taking a break. It's a day out for Flurry Kiara and us. Special din mein bachcho ko alag rakh ke kahin jaiye to aap logo ko pata hai hum nahi karte hai. Aaj hum log akele nahi ja rahe, hamare sath hamare aur ek friend hai. Actually Deepanjan ke childhood friend, they live in Canada. They have come to India after 6 years and hamare ghar ke bahut hi paas unka Kolkata wala flat hai. So unke ye stay mein 3-4 baar wo log hamare sath aake yahan pe rahe hain and आज हमारा एनिवर्सरी है तो आज हमारा ऐसे कोई ग्रैंड सेलिब्रेशन का प्लान नहीं है, वो हमारा है नेक्स्ट वीक में. दे हैव अ वेरी क्यूट बेबी मेघू. तो मेघू पार्थोदा एंड पोमेदी, ये शादी के बाद जब पहले यूएस गए थी तो तब हम लोग न्यू जर्सी में थे एंड पार्थोदा पोमेदी वो लोग रहते थे बॉस्टन में. तब मेघू नहीं आया था और हमारे लाइफ में भी फ्लरी कियारा नहीं थे. तो वीकेंड में या तो वो लोग न्यू जर्सी आ जाते थे नहीं तो हम लोग चले जाते थे बॉस्टन. बहुत मज़े करते थे और 6 ईयर्स के बाद वही सारे मेमोरीज़ हम लोग रिलीव कर रहे हैं. आज सब मिलके जा रहे हैं, थोड़े कोलकाता के आसपास घूमेंगे, मतलब विक्टोरिया के साइड में जाएंगे, मैदान के साइड में जाएंगे. मेघू को थोड़ा सा दिखाना है कोलकाता घुमा के. और ऐसे ऐसे जगह हम लोग चूज़ किए हैं जहाँ पर फ्लरी कियारा को लेके जाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो पूरे दिन थोड़ा घूमेंगे और उसके बाद हम लोग लंच करेंगे एक पेट फ्रेंडली कैफ़े में. शाम को घर पर के भी अड्डा चलेगा. और हम लोगों ने आज एक ऐप से किसी को हायर कर लिया है ड्राइव करने के लिए. कार हमारा ही है, नहीं तो फ्लरी कियारा को लेके जाना थोड़ा प्रॉब्लम होता है. भैया हमें ड्राइव करके लेके जाएंगे, वो गए हैं अपना बाइक पार्क करने, इसलिए हम लोग वेट कर रहे हैं. रेडी क्यू क्यू, रेडी रेडी टू गो. पहली बार दीपांजन ने रात के 12 बजे याद करके मुझे विश किया, इस बार मैं भूल गई थी. देखो 10 साल इतना हो गया, फिर याद रखा है, उसीलिए याद हो रहा है. हर पल याद आता है ना, किच 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 पिच 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 किच किच पिच पिच याद आता है 10 साल में. और तुम्हारा नाम याद आता है तो वही याद आता है ना. Let's start. पार्थोदा पोमेदी एक कैब ले लिए क्योंकि सब लोग होंगे नहीं साथ में, क्योंकि वो लोग भी 3 है, हम लोग 4. आप सबसे मिलाते हैं, यह मेरा दोस्त पार्थो, बचपन का दोस्त है मेरा एकदम, वो कनाडा से आया है. और यह है पोमी और ये है हमारा प्यारा सा मेघू. वाओ, ही इज इन डीप थॉट्स नाउ, है ना. तभी आज हम लोग आ गए हैं एक्चुअली विक्टोरिया मेमोरियल पे, जो आज हमारा एनिवर्सरी डे है. तो ऑब्वियसली हमने प्लान किया था ऐसे ही कि हम आज विक्टोरिया आएंगे, इधर से एक्चुअली अंदर नहीं जाएंगे, बट इसके बाद हमारा एक और प्लान है अभी, चैरियट कार राइड, जो हमने पिछले बार आए थे बट नहीं कर पाए थे क्योंकि उस दिन कुछ चल रहा था, अमित शाह का रैली था, नहीं हो पाया था. आज ज़रूर हम करने वाले हैं. विक्टोरिया के अंदर तो हम नहीं गए, बाहर से ही थोड़ा बच्चों को लेके फ़ोटो खींच के, उन्होंने भी फ़ोटो खींच लिया. अभी हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट प्लान की तरफ. मस्त राइड है एकदम, मस्त मस्त. और हमारा चैरियट भी पूरा पिंक कलर का. तो कियारा को देखो, क्यों कुछ नहीं होगा, क्यों एंजॉय करो, डरो मत. दिल बैठे काना था, तुझ तक ही आना था रास्ता. लफ्जों में कह पाए ना तेरी मेरी वो दास्तां. अब नई सी है उम्मीद जगी, छोड़े से ना छूटेंगी कभी आदतें. तो हम लोगों ने दो अलग चैरियट लिया है. भैया लोग बोल रहे थे एक ही में सब लोग आ जाएंगे, बट हम लोग सोचे कि वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, हम पूरा 4 अडल्ट उसके साथ ये 3, तो सब आराम से घूम पाए, इसलिए एक उन्होंने एक अलग लिया है, हमने एक लिया है. और हमारी क्यू सीट पे बैठ के थोड़ा डर रही थी, इसलिए अभी मैंने गोदी में ले लिया, अभी पूरा इंजॉय कर रही है. चैरिट
मार्केट राइड के बाद हम लोग यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रीट फूड के स्टॉल्स हैं जहाँ पे भेलपुरी, झाल पूरी, पापड़ चाट सब कुछ मिलता है। कियारा एज यूजुअल, कियारा हमारे साथ बेंच पे बैठी है, अब फ्लारू हमारी स्ट्रोलर में बैठ के आसपास पूरा नज़ारा देख रही है। हम लोग सब प्लान किए थे कि हम थोड़े विक्टोरिया के अंदर जाएंगे, बट विक्टोरिया के अंदर पेट्स अलाउड नहीं है, मतलब स्ट्रोलर में भी अलाउड नहीं है। दो देर आर मेनी स्ट्रे डॉग्स रोमिंग अराउंड, बट जब आप पूछोगे ना बोलेंगे कि पेट डॉग्स अलाउड नहीं है। वो लोग तो ऐसे साल में हर टाइम नहीं आ पाते, हम लोग तो यहीं पे है, कभी और भी आके घूम सकते हैं। तो हमने उन्हें इंसिस्ट किया कि तुम लोग जाके एक बार घूम लो, हम लोग तब तक यहाँ पे चाट फाट खा के थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं और फिर इसके बाद हम लोग जो जहाँ पे जाएंगे लंच करने वहाँ पे हम लोग चले जाएंगे, जाके वेट करेंगे, ये लोग घूम के फिर आ जाएंगे, है ना। पार्थो दा पौने दी क्यू क्यू का देखिए, एंजॉय हमारी क्यू करती है जब हम बाहर आते हैं। पीजियन को देखने में बिजी है अभी। देखा करते थे पर हम डरते थे। यम्मी यम्मी पापड़ी चाट, पहले तुम टेस्ट करके देखो, हमने पहले एक ही प्लेट लिया है, पहले टेस्ट करते हैं। गुड। अंजाम से तुझसे मिलके फिर से खिलके। मेघू, मेघू से हाय। मेघू से हाय। नाउ मेघू गॉट समथिंग। वाओ वाओ, मेघूज फेवरेट। दूरदर्शन, दूरदर्शन, छोटा दूरदर्शन। वी हैव कम टू कापेबोंग, आर फेवरेट पेट फ्रेंडली कैफे, जहाँ पे फ्लरी कियारा का पूरा फ्री एक्सेस है। एसी बंद क्यों कर दिया मैंने, बोला ब्लो ऊपर करने के लिए। थोड़ी देर इधर उधर घूमने के बाद अभी थोड़ा टायर्ड होकर बैठी, आने के बाद हाफ एन आवर उसने पूरा कर लिया है यहाँ का इन्वेस्टिगेशन। फ्लरू यहाँ पे कीटी पाई, इनके लिए भी हम लोग बॉयल चिकन लेंगे। और हम लोग जैसे यहाँ पे आके चार पाँच स्टार्टर ऑर्डर कर देते एक एक प्लेट करके, यहाँ का फूड बहुत ही टेस्टी है, बताने का कुछ है नहीं। पहला आ गया है चिली पॉप फॉर पार्थो दैन पॉमिडी आइस टी, हमारे लिए स्पाइसी गुआवा मॉकटेल। स्पाइसी गुआवा मॉकटेल, हम दोनों नहीं स्पाइसी गुआवा मॉकटेल। हां सेम, आज सब सेम सेम। पता ट्राई कर, शुरू कर, नहीं तो नहीं होगा। पॉमी अभी बाहर गई है। हां पॉमी दी का थोड़ा कॉल आया है तो बाहर जाके बात कर रही है। बिग फ्लरी कह रहा है अभी यहां पे खाना में मजा, अभी चिकन खा रहे हैं दोनों। बोथ ऑफ देम आर कंफर्टेबल हैविंग चिकन हियर। यहां पे चिकन बहुत सॉफ्ट है। हम लोग तो खा ही रहे थे, अब बच्चों के लिए हमारा एक राउंड हो गया, हमारा एक राउंड हुआ, दूसरे राउंड के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं कि क्या क्या ऑर्डर करें। कियारा का हो भी गया, कियारा खाता हूँ, कियारा तो एक्सप्रेस स्पीड में खाता हूँ, मामा तो खाता हूँ। एक्चुअली यहाँ आने के बाद काफी खेला है दोनों ने। गुड इवनिंग, हम लोग फिर से निकल गए हैं फ्लरी और कियारा को लेके। एक्चुअली सामने हमारा एक ओकेशन है और उसके लिए थोड़ा तैयारी चल रहा है, तो जो साड़ी ली थी उसके साथ ब्लाउज स्टिच करने दी थी, वो ब्लाउज पिकअप करने जा रही हूँ अभी। ब्लाउज में अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो फिर अल्ट्रेशन भी करना पड़ेगा, तो इसलिए ट्रायल करके अभी पिकअप करने जा रही हूँ। और हमारी फ्लरू और क्यू को भी साथ में ले लिया है, क्योंकि जब मैं ब्लाउज पिकअप करने जाऊँगी अंदर तो दीपांजन तो बाहर वैसे ही कार में वेट करेगा, तो फ्लरी क्यू आराम से आ सकती है। ठंड के साथ साथ बारिश भी हो गया है, इसलिए दोनों को भी अच्छा सा जैकेट और हम लोग भी एकदम मोटा मोटा जैकेट पहन के निकले हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंड है, मज़ेदार ठंड है। हाँ मज़ा हो चे, मज़ा हो चे, खूब मज़ा हो चे। लड़ी को बहुत मज़ा आ रहा है। उसके बाद हम लोग पियेंगे ब्लाउज पिकअप करने के बाद एक कप गरम गरम चाय, तंदूरी चाय। घर से ये निकल के शाम के टाइम जो दोनों साथ में चाय पीते हैं ना, मैं कभी कभी मिल्क टी अवॉइड करने के लिए नहीं पीती हूँ, बट मैं दीपांजन के साथ ज़रूर आती हूँ, साथ देती हूँ उसके, पीऊँ या ना पीऊँ, बट आज मुझे चाय पीने का बहुत मन हो रहा है,
एक तो ऐसा वेदर है, अभी फ्लड हूँ मेरे गोदी में, इन दोनों के लिए अभी मैं पीछे बैठती हूँ कार में, दीपांजन सामने, और बोलता रहता है कि लोग सोचते हैं कि मालकिन जा रही है और मैं ड्राइव करके लेके जा रहा हूँ, और हमारी क्यू अपनी जगह पे सेट।